अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास टेंथ का बायोलॉजी का आज हमने चैप्टर 10 स्टार्ट करना है, जो कि बेसिकली हमारे पास चैप्टर फर्स्ट बनेगा गैसेस एक्सचेंज का। नाम से ही जाहिर है गैसेस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज होना। प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी में गैस का एक्सचेंज होना लाजमी है। अगर वो गैस एक्सचेंज नॉर्मल तरीके से नहीं होगी, टाइम पे नहीं होगी, तो वो अपने जो नॉर्मल फंक्शन है वो ठीक तरीके से कैरी आउट नहीं कर सकेंगे। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखें, क्लास 9th में हम पढ़ के आए थे कि जो हम खुराक खाते हैं उसमें हमें एटीपी मिलती है। एटीपी क्या है? हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी, हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन होता क्या है। देखें, यहाँ से डेफिनेशन है, सेलुलर रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन फूड्स आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी। यहां तक हम डेफिनेशन लिख लेंगे। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के नतीजे में, और जो एनर्जी है वो एटीपी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, अब हमें पता है कि हम ऑक्सीजन के जरिए रिस्पायर करते हैं, तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन होगी, सेलुलर रिस्पायरेशन। इन एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ये हमने सेलुलर रिस्पायरेशन की डेफिनेशन देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे देखे दो डेफिनेशन है, गैसेस एक्सचेंज की एंड ब्रीथिंग की। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग। टेकिंग इन बॉडी के अंदर लेके जाना ऑक्सीजन और गिवन आउट बॉडी से बाहर निकालना कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम गैसेस एक्सचेंज बोलते हैं। और जो ब्रीथिंग है, अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर हवा लेके जाते हैं ऑक्सीजन को लंग्स में लेके जाने के लिए, और हवा को बॉडी से बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, उस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। यहां से लेके यहां तक हमारे पास ब्रीथिंग की डेफिनेशन हो जाएगी। जी बेटा, जैसे हम देखते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उसमें प्लांट्स भी इंक्लूड हैं और एनिमल्स भी इंक्लूड हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो यही है, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होगी? प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए जो मेन स्ट्रक्चर है वो है स्टोमेटा, और आगे जाके हम देखेंगे लेंटिसेल्स। स्टोमेटा और लेंटिसेल्स क्या होते हैं ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जी बेटा, ये देखें, ये है हमारे पास एक स्टोमेटा की डायग्राम। आमतौर पर घरों में हमने बीन्स, जिनको हम काजू बोलते हैं, वो हमने खाए होंगे, तो एक काजू जैसा होता है, वैसे ही स्टोमेटा दो गार्ड सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ये एक गार्ड सेल है, ये दूसरा गार्ड सेल है। अब ये स्टोमेटा की भी अब दो फॉर्म्स हैं। अब देखें, ये लिखा हुआ है स्टोमेटा क्लोज्ड, जब यानी कि फोटोसिंथेसिस और जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो रहा, लेकिन जब इनके दरमियान में पोर्स क्रिएट हो जाएगा तो जो रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कैरीड आउट होना शुरू हो जाएगा। अब ये डायग्राम आप इसको देख लें अच्छे से, और ये हमें आनी चाहिए। बाजूकात हमसे क्वेश्चन के साथ डायग्राम बनाना भी लाजमी होती है, तो हम ये स्टोमेटा की डायग्राम बना देंगे। जी बेटा, स्टोमेटा की डायग्राम हमने देख ली। अब आगे देखते हैं, देखें लिखा हुआ है प्लांट्स हैव नो ऑर्गन्स और ऑर्गन्स सिस्टम्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट। प्लांट के पास कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि वो एनवायरनमेंट के जरिए गैसेस एक्सचेंज कर सकें, लेकिन एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी के तमाम सेल्स ने गैसेज एक्सचेंज करनी है एनवायरनमेंट के साथ अपने खुद प्रोसेस से। तो वो कैसे होगा? द लीव एंड यंग स्टेम, याद रहे जो पत्ते हैं और यंग स्टेम, जो ब्रांचेस अभी बनना शुरू हुई हैं, फूट नहीं हैं, उनमें स्टोमेटा मौजूद होगा इन देयर एपिडर्मस। अब एपिडर्मस क्या है? सबसे जो आउटर लेयर होती है। अब आगे डायग्राम के साथ इसको देख लेते हैं हम। ये देखें, ये डायग्राम भी बुक में अवेलेबल है, और एक डायग्राम और है वो भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। जी बेटा, ये देखें, अब यहां पे देखें लोअर एपिडर्मस, ये देखें, आपने एक बात याद रखनी है कि जो स्टोमेटा प्रेजेंट होगा वो ऑलवेज लीव की लोअर साइड पे मौजूद होगा। अब देखें, यहां पे नाम लिखा हुआ है गार्ड सेल्स, तो ये यहां पे स्टोमेटा मौजूद है जहां से प्लांट्स ने लीव्स की मदद से गैसेस एक्सचेंज करनी है। अब आमतौर पर इनमें जो मेसोफिल सेल्स हैं जिनसे मिलकर लीव बना होता है, उनके दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद होती है, वहां से भी गैसेस एक्सचेंज होती रहती है। इसको भी हम आगे रीड करते हैं।
जी द गैसेज एक्सचेंज अकर थ्रू दी स्टोमेटा, इन स्टोमेटा के जरिए गैसेज एक्सचेंज हो जाएगी, याद रहे किन में, लीव्स और यंग स्टेम्स में। द इनर सेल्स ऑफ लीव्स जिनसे मिलकर पत्ता बना हुआ है उसको मेसोफिल सेल्स कहते हैं, एंड स्टेम आल्सो हैव देयर एयर स्पेसिस अमंग देम, उनके दरमियान में एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं, ये वाली इनमें से भी गैसेज एक्सचेंज होती रहती है, विच हेल्प इन दम गैसेज एक्सचेंज, जो कि इनको गैसेज एक्सचेंज करने में मदद देता है। ये रिकॉलिंग का लिखा हुआ, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर देयर एक्टिविटी, ऑर्गेनिजम्स को एटीपी चाहिए होती है, ये हमें पता है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। इन यंग स्टेम एंड लीव्स सम गैसेज एक्सचेंज आल्सो अकर्स थ्रू द क्यूटिकल विच इज प्रिवेंट ओवर देयर विच इज प्रेजेंट ओवर देयर एपिडर्मस। क्यूटिकल क्या है कि बहुत सारे प्लांट्स अपने इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स के, चाहे वो लीव्स है स्टेम है, एक्सेस डिहाइड्रेशन होने से बचने के लिए एक थिक लेयर क्रिएट कर लेते हैं जिनको हम क्यूटिकल कहते हैं। ये भी रिकॉलिंग है, इसको हम इंफॉर्मेशन के तौर पर देख सकते हैं। अब नीचे देखें, लीव सेल्स हैव टू सिचुएशन, जो लीव सेल्स हैं इनके पास दो सिचुएशन इनको फेस करना पड़ती हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन साइड बाय साइड, जब मेसोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन एक के बाद दूसरे कर रहे हैं, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन द फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन बन रही है वो यूटिलाइज होती जा रही है सेलुलर रिस्पायरेशन में, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो यूटिलाइज होती जा रही है फोटोसिंथेसिस में। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना लाजमी है और सेलुलर रिस्पायरेशन होने के लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी है, तो इन दोनों का आपस में लेन देन करके काम इनका चलता जा रहा है। आगे देखें, बट ड्यूरिंग हाउएवर ड्यूरिंग नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, अब रात में तो सनलाइट नहीं होती, स्टोमेटा भी क्लोज हो जाते हैं, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही द लीव सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, तो रात के टाइम प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन एनवायरमेंट से हासिल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के जरिए अपनी बॉडी से बाहर एक्सपेल कर रहे होते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट ये देखें, अब पिछले में तो हमने बात कर ली लीव्स की और यंग स्टेम्स की, जो यानी कि अभी फूटना शुरू हुई थी, पैदा होना शुरू हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है वुडी स्टेम्स एंड मिच्योर रूट्स की, यानी कि ऐसी शाखें जिनके अंदर लकड़ी अब मिच्योर हो चुकी है, बन चुकी है, और जो जड़ें हैं वो भी काफी थिक हैं, ज्यादा बड़ी हैं, उनकी भी एज काफी हो चुकी है, तो उनके अंदर ट्रांसपायरेशन जो है वो होगी लेंटिसल्स के जरिए। क्यों? अब देखें, लिखा हुआ है द इंटायर सरफेस कवर्ड बाय अ बार्क विच इज इम्प्रीवियस टू गैसेस और वाटर, इनकी जो लेयर है आउटर सरफेस वो बार्क छाल के जरिए कवर है, इसलिए इनके अंदर गैसेस और पानी जो है वो डिफ्यूज नहीं हो सकते, इनके अंदर नहीं जा सकते, इनसे बाहर नहीं आ सकते, तो इनमें लेंटिसल्स के जरिए ट्रांसपायरेशन होती है। अब लेंटिसल्स क्या है, यहां से डेफिनेशन है, यहां से However, there are certain pores in the layer of bark. Layer of bark, यानी कि जो प्लांट के सबसे आउटर लेयर है छाल, उसके ऊपर ब्रीक से पोर्स मौजूद हैं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। इनकी डायग्राम में आपको भी आगे दिखा भी देता हूं। लेंटिसेल्स अलाउ एयर टू पास थ्रो देम। लेंटिसेल्स क्या करेंगे कि इनके अंदर से गैसेज एक्सचेंज होने में हेल्पफुल होंगे। याद रहे लेंटिसेल्स और स्टोमेटा का फंक्शन सेम है, जस्ट लोकेशन का डिफरेंस है। अब हमसे अगर डिफरेंशिएट बिटवीन लेंटिसेल्स एंड स्टोमेटा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी हमसे जाता है, तो हम दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, जस्ट डेफिनेशन सेम होगी लेकिन लोकेशन का फर्क आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, द इक्वेटिक प्लांट्स गेट द ऑक्सीजन डिजोल्ड इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। इक्वेटिक प्लांट जो कि आमतौर पर पानी में रहते हैं, तो वो पानी के अंदर जो हल फॉर्म में ऑक्सीजन होती है उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी के रिएक्शन सेलुलर रिस्पायरेशन कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर वाटर में रिलीज कर देते हैं। अब हमारे पास रह गई इसके डायग्राम लेंटिसेल्स की, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। जी ये देखें, ये हमारे पास, अब उन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से थोड़ा सा इसको हमने जूम करके दिखाया हुआ है, ये जो हमें इस तरह से बना हुआ है मिच्योर स्टेम के ऊपर, ये हमारे पास हैं लेंटिसेल्स। एक हमारे पास ये डायग्राम भी है, इसको भी हम देख सकते हैं, ये चीज एमसीक्यूज में आ सकती है। द लेंटिसेल्स आर स्लाइटली मोर राइज्ड देन द जनरल सरफेस ऑफ द स्टेम, यानी कि वो थोड़े से ऊपर उभरे हुए होते हैं।
जी बेटा, आज का हमारा यही लेक्चर था, इसमें हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन गैसेस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो अब हम इसको साथ अच्छे से याद कर लेंगे, और इसके साथ हमें ये वाली डायग्राम्स भी बनानी आनी चाहिए। इससे भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि अगर आप वो साथ जो स्टोमेटा की डायग्राम हमने शो की है उसको भी साथ बना के आप उसको शो कर दें कि ये स्टोमेटा क्लोज्ड है, ये स्टोमेटा ओपन है। बाकी मजीद आपको कुछ अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। जजाकल्ला।